सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बैल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, आप कैसे अपने YouTube पर अपने चैनल में अपने वीडियोस को प्लेलिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे कि आप चार मेथड से वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और आपके जो चैनल पर वीडियोस हैं, आपने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी हैं और बाकी जो वीडियो हैं उनमें आपने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है, तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीडियोस को अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट कुछ आपको इस तरह से दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो बाकी प्लेलिस्ट आप अपने अनुसार जैसे बनाएंगे उसको नाम दे दीजिएगा और उसमें कैसे ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से आप प्लेलिस्ट भी बनाएंगे और कैसे आप उसको ऐड करेंगे। जो भी आपके वीडियोस वगैरह हैं, चाहे जैसे भी आपके वीडियोस क्लिप हैं, वो सभी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे जाकर आप वीडियो पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट मैथड से बताता हूँ आपको किस तरह से ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए कि आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में हैं तो आप वहाँ पर क्रोम या मोजिला जैसे ब्राउज़र कोई भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूट्यूब में चले जाना है और आपको यूट्यूब में जाने के बाद अपने यूट्यूब स्टूडियो में आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जब आप यूट्यूब में आ जाएंगे तो उसके बाद स्टूडियो में आने के लिए आपको कुछ इस तरह से आना है। नहीं आ रहा है तो आपको साइड में यहाँ पर ऐसा आइकन दिख जाएगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सर स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा और आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। तो जहाँ क्रिएट स्टूडियो, तो उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, तो कुछ इस तरह से आपको होम पेज रहेगा, तो इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब ये पेज आपका खुल जाएगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जब ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर मेरी कुछ प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई हैं तो आप देख सकते हैं। और आप बाकी प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं बना रखी है तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट क्रिएट करनी। तो यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लेलिस्ट टाइटल, तो आपको यहाँ पर टाइटल क्या देना है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कंप्यूटर का वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं दे दूँगा इसे कंप्यूटर, आपको इसी तरह से दे देना है कंप्यूटर। जैसे कि आपको टिप्स से रिलेटिव आप वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपको जो भी टाइटल यहाँ पर देना है आपको वो सोचना है, उस अनुसार आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गई, तो हम उसको देखते हैं कि अभी आई नहीं आई। तो एक बार आप जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है होगा और यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है अभी, उसके बाद आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो मैंने अभी बनाई थी यहाँ पर कंप्यूटर एंड टिप्स एंड ट्रिक की जो आपने प्लेलिस्ट देखी अभी, तो इसको मैंने नया अभी बनाया है तो यहाँ पर इस नाम से कंप्यूटर एंड टिप्स एंड ट्रिक। तो अब यहाँ पर आप वीडियो कैसे ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं बनाई है प्लेलिस्ट तो प्लेलिस्ट बनाने के बाद आप कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। आपको वीडियो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ये थ्री डॉट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ऐड वीडियोज़ के ऑप्शन पर आना है नीचे और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक टैब खुलेगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऐड वीडियोस टू प्लेलिस्ट। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं ऐड करने के लिए। अगर आपको वीडियो को अपना नाम मालूम है किस वो उसका टाइटल क्या है तो आप टाइटल डायरेक्ट सर्च करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं टाइटल की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक टाइप कर देता हूँ, हाउ टू कनेक्ट पेन ड्राइव। तो जैसे कि मुझे ये टाइटल अपने वीडियो का मालूम है तो यहाँ पर मैं इसे सर्च करूँगा। तो इस नाम से आपने जो भी कोई वीडियो बना रखा होगा अपना या जो भी आपको पता है तो उस नाम से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने नाम से सर्च करना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप अपना यहाँ पर डालेंगे ओपन नाम वीडियोस का तो हाउ टू कनेक्ट पेन ड्राइव, आगे आपको क्या कर देना है, अपना नाम लिख देना है, जिस नाम से आपका चैनल है वो चैनल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ और जिस नाम से मेरे चैनल का नाम है
तो यहाँ पर आपको अगले एंटर मार देना है। इससे क्या होता है आपका वीडियो जो है डायरेक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा और आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, आप अगले नाम डालेंगे। तो ये भी आपको एक सिंपल ट्रिक है, इसका यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ से हाउ टू कनेक्ट पेन ड्राइव के ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, तो मैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक वीडियोज है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी वीडियो सर्च करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटिव आपको बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाई है। तो उस तरह से मैं कोई एक वीडियो देख लेता हूँ जो मेरा कि कंप्यूटर रिलेटिव है, तो उसको आप टाइटल के अनुसार ही यहाँ पर वीडियो ऐड कीजिएगा। अगर आप टाइटल कुछ और दे रहे हैं, वीडियो को कुछ और ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है दिक्कत कि आपका जो टाइटल है उस पर ही डिपेंड करते हैं कि आपको वीडियो उसमें क्या ऐड कर रखे गए हैं जो प्ले लिस्ट में, तो वो भी सब इस पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो में अपने कंप्यूटर रिलेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स का बनाया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की साइड में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पर ऐड वीडियो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर URL का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपने वीडियो का URL पता है तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा और वीडियो को सिलेक्ट करेंगे आप तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन और है जो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में ही है, ये तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है योर YouTube वीडियोस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बिना सर्च किए हुए आपके वीडियो आपको दिखें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर अपने वीडियोस को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस की लिस्ट आपको यहाँ पर आ जाएगी। मैंने इसलिए आपको तीनों मेथड बताया, अगर आपको किसी वजह से यहाँ पर आपके वीडियोस नहीं शो करते हैं तो आप डायरेक्टली सर्च करके URL की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक किया है और यहाँ पर मैं अब इसे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ करके, तो यहाँ पर ऐड वीडियो पर क्लिक करूँगा। जब आप ऐड वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको साइड में आपका जो वीडियो है आपने यहाँ पर ऐड किया है जो प्ले लिस्ट में, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्यू टाइम लेगा, रिफ्रेश होगा, इसके बाद ही आप डायरेक्टली देख पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइड में जो मैंने अभी वीडियो ऐड किए हैं तो यहाँ पर वो आ गया है। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे वीडियो कर सकते हैं, आपको यहीं से 3 डॉट से जाना है और यहाँ पर ऐड में कर लेना है। तो ये फर्स्ट मेथड से हो गया। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ आप किस तरह से सेकंड मेथड से वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, आपको अपने होम पेज पर चले जाना है, आपको सीधे यहाँ पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो डायरेक्टली आप होम पेज पर पहुँच जाएंगे। जब आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे तो उसके बाद सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियोज़ पर क्लिक करना है और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको जब आप वीडियो लिस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी प्ले लिस्ट में ऐड करना है वीडियो को, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैं कोई वीडियो आपको एक ले लेता हूँ उसको ऐड पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप जो भी वीडियो को प्ले लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप जब अंदर आ जाएंगे अपने वीडियो की सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको सीधे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ठीक है, और आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन मांग रहा है क्योंकि अभी तक आपने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है और आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, तो इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन मांग रहा है। अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे, अगर आप कोई प्लेलिस्ट में नया टाइटल देना चाहते हैं तो नया टाइटल देकर आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई थी, मैं अभी उसमें ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी आसानी से समझ में आए। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे कि मैंने क्लिक किया है, और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बनाया था कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक, तो अभी उसके रिलेटिव भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक जैसे ही मैं बताऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक, तो ये प्लेलिस्ट हो गई कि इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद जब आप डन करेंगे तो यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट पर नाम आ जाएगा। तो जैसे कि आपको कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आपको ऊपर सेव का ऑप्शन है, आपको सेव कर देना है। आप जब सेव कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्लेलिस्ट का नाम है यहाँ पर सेव हो जाएगा। फ्रेंड आप थर्ड मेथड से कैसे अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर अपने योर चैनल पर जाना है और योर चैनल पर आप क्लिक करेंगे, होम पेज पर आ जाएंगे यूट्यूब पे। तो आपको यहाँ पर जो थर्ड मेथड है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई एक वीडियो प्ले कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत सारे आपके वीडियो जो आएंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप चाहते हैं और उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड ब्राउजर में आप अपने कैसे वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको एडिट वीडियो का मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जब आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर थर्ड मैटर में आप कैसे ब्राउजर में जाकर अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको थर्ड मैटर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सेम आपको सेकंड मैटर की तरह ही आपको यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, अपने जो भी प्लेलिस्ट में ऐड करना है आपको वीडियो को, और यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आप इस तरह से ही इसके ऐड करने के बाद इसे सेव भी कर लीजिए, और इस तरह से आप यहाँ तीनों मेथड से अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड आप फोर्थ मेथड से कैसे आप अपने वीडियो को यूट्यूब प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। एक बार आपको क्या करना है, सिंपली उसके साइड में आपको ये बॉक्स दिख रहा है जैसा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर राइट मार्क हो जाएगा, और जब आप राइट मार्क हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहा है मेन्यू बार, आपको यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको जिसमें इसे ऐड करना है तो आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक के ऑप्शन में करना है, जो भी आपको करना है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ मैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से ही आप फोर्थ मैटर से भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दोबारा चेक करना है तो कि ये ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको फिर से उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राइट मार्क दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इन फोर्थ मेथड से अपने YouTube वीडियो को अपने YouTube प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय।